तालिबान संकट का देश में कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और राष्ट्रभक्त नेता के हाथों में है। उमा भारती ने सांसद दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जुबान है, उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये एक ऐसा समय जब भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री, मैं इसको भगवान की दया मानती हूँ कि जब अफगानिस्तान के बुरे दिन आए, जो भारत के लिए भी एक चेतावनी हो सकती थी, लेकिन मोदी जी जैसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री जी के होते तो हमको किसी भी बात की चिंता करनी चाहिए। मैं क्या बताऊं आपको, बताऊं, दिग्विजय सिंह का कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन उनकी जीभ है कुछ, और उनकी जीभ इतनी खराब है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो शायद भी प्रज्ञा सिंह से चुनाव हारे हैं, लाखों मतों से चुनाव हारे हैं, फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा कि उनकी इसी बदजवानी के कारण उनसे पूरे देश हिंदू मुसलमान सब नफरत करते हैं, इसी बदजवानी के कारण। और मैं आज भी उनको कहूंगी, दादा भाई वो हमारे के भाई, जरा अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लो आप, बस बाकी सब ठीक है, ये आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, दिग्विजय सिंह की जीभ ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु है।